हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है अल्मोरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उत्तराखंड। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है, स्पेशल ऑफिसर आईटी के 15 पद, स्पेशल ऑफिसर लॉ के 2 पद, क्लर्क कम क्लेशियर के 75 पद, क्लर्क कम टाइपिस्ट के 8 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो दी गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को 1500 रुपये देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जून 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान, उम्मीदवार को ऑफिसर पद के लिए ग्रेड 4 रुपये बेसिक 16400 के तहत दिया जाएगा और क्लर्क पद के लिए उम्मीदवार को 14650 रुपये बेसिक के तहत वेतनमान देय होगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। पदों का विवरण है, विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 792। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को और पूर्ण करते हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये, भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को 200 रुपये और विकलांग उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जून 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान, उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 2 अर्थात रुपये 19900 बेसिक के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है इंडियन बैंक। विज्ञापन संख्या है, विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी 2022 के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 312। पदों का विवरण है, असिस्टेंट मैनेजर के 160 पद, सीनियर मैनेजर के 35 पद, मैनेजर के 110 पद और चीफ मैनेजर के 7 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो ऊपर दिए गए पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु 40 वर्ष उम्मीदवार की होनी चाहिए। इन पदों के लिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹850 आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग उम्मीदवारों को ₹175 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को स्केल 1 से लेकर स्केल 4 पद के अनुसार दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमें मैसेज कीजिए, आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।